हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट टेल डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ड्रोन लवर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया लीक, एक खबर आई है डीजीए की तरफ से। एक नया ड्रोन जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो लॉन्च होने की खबर आई है। पता यूं लगा है कि कुछ एक मैप प्लान मैप होता है, एक बेसिकली सर्किट होता है जो डीजीए हमेशा अप्रूव करवाता है अपने टेक्नोलॉजी को कोई भी नया ड्रोन लॉन्च करने से पहले। तो मैं बात कर रहा हूँ मैविक मिनी 2 के लॉन्च होने की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैविक मिनी 2 के लॉन्च होने की खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आने वाले नए ड्रोन्स में DJI का मैविक मिनी 2 लॉन्च होगा। इसके बारे में पूरी बात करेंगे डिटेल में, क्या लीक आई है, कहाँ से मैप है, कैसा मैप है और क्या क्या नई चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू सी तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप नए चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर हम लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज करता हूं, एंड सम टाइम्स वी आल्सो शेयर सम हेल्थ टिप्स। सो लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, DJI मैविक मिनी जो 1 अभी जो चल रहा है, जो अवेलेबल है ऑलरेडी, वो काफी बढ़िया रहा है। DJI के जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उसने परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा है और काफ़ी इजी टू कैरी है। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे उसमें फीचर्स आपको 2.5K तक और गिम्बल एंड स्टेबलाइजेशन ये सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया, जो कि स्पार्क के मुकाबले बहुत अच्छा था। तो इसी फॉर्म फैक्टर को देखते हुए और पॉपुलैरिटी देखते हुए DJI ने अब डिसाइड किया कि उसको अपग्रेड किया जाए। तो अपग्रेड करने के लिहाज से मैविक मिनी 2 का एक मैप या कहीं या एक प्लान जो सर्किट अप्रूव होता है, जिसमें पूरा डायग्राम होता है कि इस तरह से प्लानिंग होगी। तो नंबर 1, ये भी फोल्डेबल होगा, उसी फॉर्म फैक्टर में आएगा। खास बात इसमें ये होने वाली है कि इसमें 4K की न्यूज़ आ रही है कि इसमें अब आपको 4K तक मिल जाएगा, क्योंकि यही एक अपग्रेड है जो बचा हुआ है मैविक मिनी 2 में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप इसमें मैविक एयर 2 की तरह ये मत सोच लें कि इनकी जो कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी है ये बात आप ध्यान रखें कि इसमें OcuSync आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि OcuSync अगर इसमें डाल दिया तो वो महंगी टेक्नोलॉजी है, तो फिर इसका जो प्राइस पॉइंट है जो कि इकोनॉमिकल है वो नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से इसमें OcuSync वो DJI नहीं डालेगा और ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसमें OcuSync डाल दिया तो ये इस सेक्शन को, मतलब जो इकोनॉमिकल सेक्शन को छोड़ के महंगे वाले सेक्शन में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मत एक्सपेक्ट करें। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यही है कि 4K क्वालिटी आपको मिल रही है इस मिनी फॉर्म फैक्टर में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये फ्रेंड्स, ये जो ड्रोन होगा ये वाईफाई ही होगा। हाँ, इतनी खबर ज़रूर है कि वाईफाई में वो इम्प्रूवमेंट जब वो लिखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इन कनेक्शन होती है। वैसे भी इसका जो रिव्यूज़ आए हैं और काफ़ी डिटेल मैं देख चुका हूँ कि अदरवाइज भी इसका जो मैविक मिनी 1 का जो रिस्पॉन्स है विद योर रिमोट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। तो मैविक मिनी 2 में इससे बेटर करने का उन्होंने प्लान किया है, और डेफिनेटली जो DJI कमिट करता है तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ उसमें वैसा ही होता है, बिकॉज DJI इज अ बादशाह ऑफ ड्रोन्स। नो मैटर व्हाट, काफ़ी कॉम्पिटिशन है, बट स्टिल DJI की ड्रोन्स की अलग ही बात है। तो उसी को देखते हुए 2 मेन अपग्रेड्स हैं कि एक तो 4K आपको मिलेगा इसमें, और नंबर 2 वाईफाई की इम्प्रूवमेंट होगी। तो लेट्स सी कब ये ड्रोन आता है, और जैसे कोई मुझे इसके बारे में खबर मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसके अलावा DJI ने एक अभी हाल ही में गिम्बल भी लॉन्च की है, तो इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन ड्रोन लवर्स के में फैला दें। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो अपने आप YouTube इसको उनके तक पहुंचा देगा। तो प्लीज़ एक लाइक हर कोई जो देख रहा है, और एक कमेंट जो आपको अच्छा लगा DJI मैविक मिनी 2 के बारे में। और कुछ अगर नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी आप लिखें कि मैविक मिनी 2 में क्या आपको नई लीक या कुछ खबर पता हो, तो क्योंकि सब ड्रोन लवर्स हैं वो जानना चाहते हैं। और कमेंट्स में ऐसे डिस्कशन भी हो जाती है, और कोई अच्छी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें डिटेल में फिर मैं वीडियो भी बना पाऊंगा। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स जरूर करें।